सांसद विधायक कभी देखने नहीं आते, उनकी शक्ल नहीं दिखाई देती, कहाँ रहते हैं, क्या है। अच्छा। आप 10 गांव में इंक्वायरी कर लो कि किसी ने देखा भी हो। अच्छा। हाँ बिल्कुल, आपको मोदी जी की लहर थी, चारों विधायक फरुखाबाद के, जिन्होंने बोलने की अकल नहीं, अगर बोलने की तमीज हो तो हमारे घर का कोई खाना ले जाए। जितेन सिंह, तो सबसे पहले नाम बताए इस गाँव का हमको। ये बदनपुर है। बदनपुर जी, ये अमृतपुर विधानसभा में आता है ना। तो ये अभी हम कौन सी जगह पे खड़े हुए हैं? ये बदनपुर के हनुमान मंदिर। अच्छा। जो कि लगभग 70 साल पुराना है। जी जी। और उस जगह पर आप खड़े हैं। अच्छा। और यहाँ की विशेष समस्याएं हैं कि अभी तक कोई बिजली की व्यवस्था नहीं हो पाई, शौचालय की कमी, एक नल की कमी है। अच्छा। शौचालय की भी कमी है। हाँ, शौचालय की भी कमी है। तो ये चीजें, इससे जो साधु संत रहते हैं उनको काफी दिक्कत होती है। अच्छा। तो हम गांव वाले चाहते हैं कुछ मालो इस तरीके की व्यवस्था आगे बढ़े। जो तो प्रधानमंत्री वाली जो शौचालय वाली योजना थी उसका लाभ नहीं मिला आपको? उसका यहाँ मंदिर पे कोई लाभ नहीं मिला। मंदिर पे नहीं, गांव में। गांव में तो मिला है, छुटपुट रूप से जो अपने ढंग से लोगों ने किया है। अच्छा। वो अपने किया है, लेकिन ये मंदिर की समस्या मतलब इतने 70 साल पुरानी है करीब। अच्छा अच्छा। और यहाँ पर देख रेख जो है वो बढ़िया नहीं हो पा रही है, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं लाइट और लैट्रिन। लाइट तो लाइट की समस्या है और लैट्रिन की समस्या। मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा कि वो थोड़ा ये मंदिर दिखाए। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये 70 साल पुराना मंदिर है और ना तो यहाँ पे लाइट की व्यवस्था है और ना ही लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था है। यहाँ के क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुरेंद्र सिंह है जी। यहाँ कार्यरत है आप? कार्यरत है, यहाँ पड़ोस में खेत वगैरह है, तो ये देख रेख आप देख रेख करते हैं। अच्छा। तो इसमें मान लो कोई नुकसान ना हो तो ये हम लोग देख रेख करते रहते हैं। अच्छा। और इसकी उन्नति के लिए आप लोगों से या कोई जो विशेष व्यक्ति है उनसे संपर्क रखते हैं, तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया जो यहाँ की समस्या दूर करता। विशेष लाइट है, लैट्रिन वगैरह की तो चलो मान लो छोटी मोटी व्यवस्थाएं हो जाती, लेकिन लाइट की बहुत प्रॉब्लम। जी। ये मंदिर 70 साल पुराना है। जी। है ना। जी। इस पे पूजा पाठ कौन करता है? पूजा पाठ अभी एक बाबा थे वो गांव चले गए। अच्छा। यहाँ पर दिक्कत होती लाइट आई। रात में क्या थे इंतजाम करते हैं जब लाइट नहीं होती? नहीं तो वो अभी तक तो मिट्टी का तेल मिल जाता था, उससे कर लेते। अब वो भी नहीं, अब वगैरह जो छोटी मोटी लाइटें गांव से ले आकर थोड़ी बहुत घंटे दो घंटे काम चला लेते हैं। तो रात में तो यहाँ बड़ा डरावना दृश्य रहता है। डरावना तो यहाँ कोई लाइट है, आप देख रहे हैं कि जमापुर से 1 किलोमीटर दूरी पर यहाँ पर कोई। आपके आसपास कहीं लाइट की व्यवस्था हो सकती है यहाँ से? लाइट करीब करीब 4 खंबे दूरी है, खंबा भी पड़े हुए हैं। आपने यहाँ के सांसद विधायक से बोला नहीं कि यहाँ लाइट? सांसद विधायक कभी देखने नहीं आते, उनकी शक्ल नहीं दिखाई देती, कहाँ रहते हैं, क्या है। अच्छा। हाँ तो उनसे क्या देखें? तब भी तो आप लोग उनको वोट देते हैं। अरे वोट सब थोड़ो देते हैं, अब वो दे दिया जिन्होंने दे दिया, हो गए अपने भाग से। अच्छा। सुशील साक जी है ना यहाँ के विधायक? सुशील साक है, तो वो अपने मतलब हम तो देखते नहीं फिलहाल, इस रोड पर हमने कभी 5 साल में नहीं देखा है। अच्छा। हाँ? तो आज तक वो दिखे नहीं आपको? आज तक हमको क्या पूरा मतलब पूरे गांव नहीं, 10 गांव ही कह रहे हैं सुशील साक ने किसी को देखा हो। अच्छा। तो बीजेपी से इस बार यदि उनका टिकट मिलता तो उनको जिताएंगे आप लोग? नहीं, इस समय तो गंगा पार उनको बिल्कुल रिजेक्ट कर रहा है। अच्छा। हाँ बिल्कुल, मतलब इस बार उनको नहीं जिताएंगे? हाँ, नहीं उनको कोई सवाल है नहीं। इस बार किस पार्टी को जिताएंगे? अब इस बार जैसे कोई व्यक्ति विशेष आता है, नवयुवक कोई है काम करने वाला, हमें पार्टी से थोड़ा मतलब, हमें व्यक्ति से मतलब है। तो आपके नजर में ऐसे हैं कोई व्यक्ति जो आपकी मदद? तो हमारे यहाँ जैसे जितेंद्र यादव थे पुराने जो थे वो तो चले गए, उन्होंने काम किया हमारे गंगा पार से, मतलब अच्छी जीत होकर जाती है। अब देखो अगर मिल जाती है तो हम लोग उनका। जितेंद्र सिंह यादव तो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? लड़ रहे हैं, लेकिन हम लोगों से संपर्क उनका लगातार इधर उधर रहता है गांव क्षेत्र में। तो हमने तो सुना अभी तक उनको टिकट ही नहीं मिला है। अब ना मिला है तो फिर वो बात अपनी रखेंगे, तो हम लोग उनका सुझाव मानेंगे। अच्छा, उन्होंने बहुत काम किया इस गांव के बारे में? नहीं, गांव के बारे नहीं, क्षेत्र में सबको देखा है। गांव तो कोई बात तो जो कुछ लोग जुड़ पाते हैं गांव के लोग व्यक्ति, तो उनसे जुड़े हैं तो उनको लाभ मिल जाता है। अच्छा। या किसी
की मदद करने की आती है उनके लिए वो मतलब कुछ। यदि उनको जैसे वो हमने सुना है कि सपा से वो चुनाव लड़ने वाले हैं, तो यदि वो सपा से उनको टिकट मिल जाता है तो आप लोग उन्हें वोट देंगे? नहीं, वोट हम लोग सोच रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास हो, बहुत से मतलब यहाँ अंटू मिश्रा आए हैं, ठीक है वो बसपा से, उन्होंने क्या विकास किया है, लेकिन वो लोगों ने दिया। अब ये सोच आए अपने की लाइट नहीं लगवाई है, लाइट की व्यवस्था नहीं, और गंगा पार की बहुत सी व्यवस्थाएं हैं। तो नरेंद्र सिंह यादव भी एक दावेदार माने जा रहे हैं इस एरिया के, आपके अमृतपुर विधानसभा के। हाँ, तो रह चुके, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अच्छा, हाँ, उन्होंने पहले कुछ नहीं किया, क्योंकि 2012 से 17 तक उन्हीं के राज था, है ना? 2017 में सुशील शाह क्या है आपके, तो 2012 से 17 तक कुछ किया उन्होंने? कुछ नहीं, मान लो आप 10 गाँव में इंक्वायरी कर लो कि किसी ने देखा भी हो। अच्छा, बिल्कुल, आपको किसी ने देखा तक नहीं? किसी ने देखा नहीं, बस पद मिल गया, पद के बाद आए तक नहीं? बिल्कुल नहीं आए। आपने वोट दिया था 2012 में उनको? वोट अब ऐसा हुआ कि मान लो वोट तो एक आध कहीं देना ही पड़ जाता है। अच्छा, हाँ, कोई ऐसी बात नहीं थी, मोदी की जी की लहर थी, व्यक्ति विशेष तो कोई काम करेगा गंगा पास, जब काम ही नहीं किया है, तो उनको तो नरेंद्र सिंह यादव सपा से थे ना वो? नहीं, नरेंद्र सिंह को दिया था, तो वो अपने उधर से मान लो दूसरे क्षेत्र के थे, इन्होंने क्षेत्र गंगा पार को नहीं देखा। ठीक है, आपकी यदि सपा से जितेंद्र सिंह यादव को, हाँ, तो यहाँ के मतलब करीब करीब मेरे अनुमान में 80% आदमी गंगा पार का सपोर्ट उन्हें देगा। 80% मतलब चुनाव इस बार उन्हीं को जिताएंगे भाई? अभी तो हम लोग मतलब काम मतलब सीट के बगैर वो काम देखते हैं, तो हम लोगों को नेता अब ये चारों विधायक फरुखाबाद के जिन्होंने बोलने की कल नहीं। अच्छा, हाँ, योगी जी आए, सबने हमने देखा है, हाँ, जिनको बात कहने की, यहाँ की जो क्षेत्र की गंगा हाईवे था वो चला गया। अरे वो क्यों चला गया? मुकेश खन्ना वगैरह ये ले जाते हैं, इनको बोलने की तमीज होती है? अच्छा, अगर बोलने की तमीज हो तो हमारे घर का कोई खाना ले जाए। जितेंद्र सिंह से मिले हैं? जितेंद्र सिंह यादव चार विधायक होने के, बीजेपी के चार विधायक, अरे भाई ये गर्व होता आगे केंद्र में भी सरकार हुई है वो गंगा पार का, अभी कुछ कुछ काम नहीं, नहीं मैं 70 साल से देख रहा हूँ इसका फरुखाबाद का दुर्भाग्य। अच्छा, एक भी सड़क नहीं, एक भी लिंक रोड सही नहीं है, ये ऐसे गचन बचड़ा होता रहता है। तो अभी आपके गांव की सड़क का क्या हाल है? अभी गांव के हमारे बहन देख लिए, गांव का बिल्कुल खंडहर पड़ा हुआ। अच्छा, अभी तक किसी ने भी अभी किसी ने? सरपंच कौन है? सरपंच तो इस समय रामवीर बाथम है, तो वो उन्होंने कार्य नहीं करवाया? अब वो काम करवाते हैं, लेकिन वो किसी के लिंक में है, तो वो जैसा लोग करवाते हैं वैसा करते हैं। अच्छा, हाँ, तो यदि पार्टी विशेष की बात करें तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करना चाहेंगे? अब हम तो या अभी तो हमने यही सोचा था कि मतलब नरेंद्र सिंह वो क्या नाम जितेंद्र यादव जी आए रहे। अच्छा, तो हम लोगों ने मन बना रखा है, गांव के 80% लोगों ने कि अपने गंगा पार। आप कहते हैं कि यदि सपा से जितेंद्र सिंह यादव को उनको वोटिंग करेंगे, उनको किसी से मिल जाना है? हम लोगों को सपा और भाजपा से मतलब नहीं, हमें तो अपने अपने क्षेत्र का विकास चाहिए। अच्छा, मतलब उन्हें किसी पार्टी से मतलब भाजपा से निर्विरोध लड़ते हैं? निर्विरोध लड़ते हैं, विजय सिंह नहीं लड़े क्या? अच्छा, गंगा पार से भी जिताया उनको। अच्छा, है फरुखाबाद से भी दिखाया दो बार गंगाबाद ने, तो निर्दलीय लड़े। अब की बार आप अपने मन का कैंडिडेट खड़ा करेंगे और खुद जिताएंगे? नहीं, बिल्कुल निर्दलीय खड़े हो जाए, देखिए जीत होती कि नहीं जितेंद्र यादव। अच्छा, तो जैसे जितेंद्र सिंह यादव जी ने तो अभी तो आवेदन किया सपा से, तो मान लीजिए सपा से उनको टिकट नहीं मिलता, यदि वो अन्य किसी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं? हमारे अपनी क्षेत्र के हमारी बात कम से कम हमारी बात कहे, चाहे विपक्ष में कहे चाहे पक्ष में कहे। अच्छा, अगर हमारी बातें नहीं कहेगा है ठीक, हम मान लो सरकार नहीं बना पाते हैं, तो हम अपनी बात तो कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। तो हमको ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो हमारी बात कहे। नरेंद्र सिंह यादव जी आपकी बात सुने? नहीं सुने पहले, वो तो भाई दूसरे क्षेत्र के, अहमदाबाद क्षेत्र के। आपको क्या लगता है जितेंद्र सिंह यादव जी आपकी बात सुनेंगे? वो क्षेत्र के यहाँ पर आते जाते हैं, आते जाते हैं। वो भी मालूम अपने क्षेत्र के भाई अंटू मिश्रा थे। अच्छा, वो तो कानपुर के थे, यहाँ से आकर उन्होंने शकल नहीं दिखाई। तो बात हमको क्षेत्र का विकास। अच्छा, वो हमारे मालूम फरुखाबाद में रहते हैं, लोग संपर्क में रहते हैं, गंगा पार की समस्या सुनते हैं, तो हम लोग उनके गाँव में कुछ किया उन्होंने गाँव में, ऐसे घूमने घामने आए तो मान लो पार्टी के हिसाब से किया कुछ नहीं। तो कभी समस्याएं बताई आप लोगों ने? समस्या ऐसा हुआ कि समस्या की कोई विशेष आवश्यकता नहीं पड़ी, बोलो जैसे डॉक्टरी लाइन का काम था, जो समस्याएं लोगों को होती थी तो वो उनके हो जाती थी। अच्छा, हाँ, जो 2012 में भी जितेंद्र सिंह यादव जी चुनाव लड़े थे तो लगभग 31,000 वोट उन्हें मिले हुए थे। हाँ, मिले थे। नरेंद्र सिंह यादव सपा से पहले नंबर पे आए हुए थे, सेकंड नंबर पे जितेंद्र सिंह यादव जी आए हुए थे। नहीं, हमारे यहाँ सपा गए लाल बहादुर,
गंगापुर से लड़े। अच्छा, लेकिन इन लोगों ने गंगा पार को देखा ही नहीं, बात इस बात की। अच्छा, मतलब गांव का विकास ही नहीं हुआ। गांव का कोई विकास नहीं, क्षेत्र का नहीं विकास। गांव ठीक है, लेकिन आप बता रहे हैं आज उनका कोई व्यक्ति वहाँ प्रधान ही नहीं लड़ सकता अमृतपुर से। अच्छा, चलिए ठीक है, गांव से यदि हटके आए तो आप बता रहे हैं मंदिर 60 साल पुराना बना हुआ है। तो 60 साल पुराने मंदिर में आपने जितने सांसद विधायक यहां हुए, तो आपने किसी से उम्मीद नहीं की नहीं, कि लोगों से जो उनसे बताया कहा नहीं किसी को मिलते जो हाँ हूँ करके चले जाते थे और क्या। अच्छा, देखते थे, सुनते थे, चले जाते थे, सुनते मतलब समस्या सुनते, यहाँ तक मतलब विशेष रूप से अभी सांसद विधायक आए नहीं, एक बार एक लोग आए थे तो उन्होंने कहा कि ये समस्या, उन्होंने ये कम्बे वो थे क्षेत्रीय आदमी थे, हम लोगों ने उनको समर्थन किया। अच्छा, मतलब ठीक है, ये बिलासपुरों की का था तो कार्य वो नहीं अपने जगह पर, फिर बाद में कोई नहीं देखने आता, बाद में कोई नहीं देखता, कोई नहीं देखता। बन के कब कंप्लीट हुआ है, कब कंप्लीट हो? ये तो हर साल बनता है, यहाँ की जो भूमि है उसको हम उगाई पर दे देते हैं, तो उससे जो पैसा मिलता है उसको लगाते रहते हैं। अच्छा, मतलब जो गाय पे लेता है खेत को वही पैसा लगाते हैं, वो पैसा इसमें लगाते हैं। अच्छा, मतलब हर साल नीलामी होती है। अच्छा, ये किसकी जमीन है? ये मंदिर के नाम है। अच्छा, ये मंदिर के नाम है, ट्रस्ट की जमीन है, ट्रस्ट की जमीन है। अच्छा, तो अब जो है व्यवस्थाएं ये जो है तो ये परंपरा प्रधान के हिसाब से चली आए। अच्छा, तो बोली प्रधान जी लगवाते हैं? हाँ, बोली प्रधान जी लगवाते हैं तो जो ज्यादा बोली लेकर वो खेत ले लेता। इस साल इसके पदभार कौन है? इस साल मतलब प्रधान ही ने उठवाया, लेकिन लेने वाले गांव के ही व्यक्ति हैं। अच्छा, हाँ, नाम है उनका? उनका नाम कुलदीप चौहान है। तो अभी तक मतलब ये जिन्हें अभी पदभार मिला है जमीन का, हाँ, तो उन्होंने निराकरण किया कुछ इसका? उनको उन्होंने ये अभी अभी हमने तोड़वा के ये छोटी सी मठिया थी, छोटा सा। यहाँ पे हम दो मंदिर देख रहे हैं, एक हनुमान जी का मंदिर है और हनुमान जी के नाम। अच्छा, ये वाला मंदिर भोले बाबा का ये तो जो है, पहले ये वाला बना था? नहीं, पहले वाला ये था। अच्छा, पहले ये वाला बना ये था, छोटी सी मठिया थी, छोटी सी मठिया थी, तो तुरवा के से बड़ा बना, तुरवा के इस साल इसको ये उसका जीर्णोद्धार कर दिया। अच्छा, पहले एक छोटी सी मूर्ति थी, फिर बाद में निराकरण किया गया, बाद में ये इस साल ही। ये किसने बनवाया? ये जो पैसा मिला है। अच्छा, तो हम लोगों के मतलब उन्होंने पैसा दिया तो हम लोगों ने देख रेख बनवा दिया। अच्छा, तो पहले तो इस वाले मंदिर से ज्यादा विकसित तो हमें ये मंदिर लग रही है। विकसित क्या, वो तो थी, लेकिन ये मजबूरी आ गई कि अब इसको भी ये मैन है हनुमान। ये वाली कब बनी मंदिर? ये करीब करीब हो गया होगा 20 साल। बीस साल और ये वाली 70 साल हो गए। इसको मठिया को जो अंदर बनी हुई है वो करीब 70 साल की हो गई। 70 साल, हाँ। अब ये तुड़वा के ये इसी और साल, ये बाउंड्री वगैरह सब, ये बाउंड्री इसको भी 15-20 साल हो गया। तो ये किसने बनवाया बाउंड्री वगैरह? ये बनवाने की तो यही है कि प्रधान जी नीलामी करते, पैसा मिलता है। अच्छा, जितना हर साल नीलामी होती है? हाँ, हर साल। तो हर साल जितनी नीलामी होती है उसके हिसाब से ये विकास हो जाता है। कार प्रणाली में लगाया जाता है, है ना? अब जो यहाँ पुजारी रहता है उसका खर्चा निकाल देते हैं। अच्छा, हाँ। तो यदि ऐसा कोई कैंडिडेट आता है आप लोगों के बीच में कि वो आपकी हर समस्या का निराकरण करे और आपकी हर समस्या को सुने, आपको समझे, नहीं लगाओ मतलब एक व्यक्ति से ना लगाओ, लेकिन हमें अपने क्षेत्र का भी विकास चाहिए। जब भी आपको जरूरत हो उनकी तो वो आपके पास हो, है ना, सुख दुख में आपके साथ। वो तो है ही बात है। तो ऐसा आप बता रहे हैं जितेंद्र सिंह यादव जी हैं? नहीं, जितेंद्र सिंह ठीक है, मान लो ठीक है, हम कोई नहीं कहना जानता, हम कह देंगे उनसे भाई हमारी ये समस्या है। अब आप देख लो करीब करीब गांव से लेकर और जमापुर मोड़ तक आप मोटरसाइकिल से नहीं निकल सकते हो। अच्छा, इतनी गंदी रोड है। अच्छा। जबकि प्रधान का भी कार्य चल रहा है, पिछली पंचवर्ष ही गई, इधर गई, ये सब हुआ, लेकिन आप मतलब देख ले जाकर, हम झूठ थोड़ो बोल रहे हैं। जितेंद्र सिंह यादव जी के बारे में और क्या कहना चाहते हैं? और हम यही कहना चाहते हैं, बढ़िया है व्यक्ति, और अगर सीट मिलती है तो हम तो कहते हैं वो निर्दलीय लड़े, देख लो कि उनको मिलती है विजय की टिकट। मिलता है तो आप निर्दलीय भी जिताएंगे? हाँ, जिताएंगे इस बार उनको, मतलब उन्हें किसी भी पार्टी से टिकट मिले तो आप उन्हें जिताएंगे? हाँ, जिताएंगे। अच्छा, हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आप? हमारा नाम सुरेंद्र सिंह है।